भारत और चीन के बीच बढ़ते तनाव के दौरान कल जिस प्रकार 20 भारतीय सैनिकों के शहीद होने की खबर आई है, जिसमें जबलपुर के सपूत राजेश अरोरा भी शामिल हैं जो दुश्मन से लोहा लेते हुए शहीद हो गए, इस आक्रोश के चलते जबलपुर शिवसेना की जिला इकाई द्वारा मालवी चौक में प्रदर्शन किया गया, जिसमें उन्होंने चीन का झंडा जलाते हुए चीनी वस्तुओं के बहिष्कार का आह्वान किया एवं प्रधानमंत्री मोदी से ईंट का जवाब पत्थर से दिए जाने की मांग की। भारत ही नहीं अपितु संपूर्ण विश्व का दुश्मन बन चुका चीन, जिसने कोरोना वायरस जैसा एक वैश्विक संक्रमित महामारी दी, जिससे आज पूरी दुनिया ठहर गई है। उसी चीन ने कर निर्लज्जता दिखाते हुए भारत के ऊपर आक्रमण किया और भारत के सैनिकों को मारा। हालांकि भारत ने भी उसका मुंहतोड़ जवाब दिया, परंतु ये हम लोगों के लिए बहुत ही बड़े दुर्भाग्य की बात है कि कई महीनों से चीन की सामग्री का बहिष्कार की बात चल रही है। आज उसी को लेकर के हमने चीन का झंडा और चीनी सामग्री के बहिष्कार को लेकर यहाँ चीन का झंडा जलाया है और हम यहाँ प्रधानमंत्री जी से मांग करते हैं कि वो चीन के विरुद्ध कठोर से कठोर निर्णय लें। भारतीय सैनिकों के ऊपर जिस प्रकार चीन ने हमला किया वो घोर निंदनीय है। इसके विरोध में आज हम जबलपुर शिवसेना द्वारा मालवी चौक पर चीन के सामानों का बहिष्कार करते हुए उसे जलाया है, झंडा जलाया पाकिस्तान चीन का, और हम माननीय प्रधानमंत्री जी से मांग करते हैं कि इनका जवाब पत्थर से देना चाहिए। हमारे जबलपुर के राजेश अरोरा जी जो शहीद हुए हैं, भारतीय सैनिक जो शहीद हुए उनको हम लोगों की मदद द्वारा यहाँ श्रद्धांजलि दी गई है।